हाय गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ विक्रमजीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी कार के विंड स्क्रीन कार का ग्लास कैसे साफ कर सकते हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से भाई हैं जो गाड़ी की विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए न्यूज़पेपर और पानी का यूज़ करते हैं, जिससे नो डाउट आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ हो जाएगी। बट उससे एक दिक्कत भी आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर निशान पड़ जाएंगे, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आप उस मेथड को यूज़ करके आप अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन काफ़ी इजीली मेथड से साफ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं मेरे पास 3M का ग्लास क्लीनर है। इसकी हेल्प से मैं अपनी गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो साफ करूंगा। साथ ही मेरे पास है ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ। तो 3M ग्लास क्लीनर की कॉस्ट जो है वो 230 रुपीज़ है, 230 का है और 250 ml का है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग परचेस करना चाहो तो उस लिंक पर जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरा प्रोसेस कि आप घर में बैठे कार का ग्लास या कार की विंड स्क्रीन कैसे ईजिली साफ कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर 3M ग्लास क्लीनर का मैं अभी स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे आपको उस एरिया पर करना है जो आप चाहते हो कि क्लीन हो जाए। बिल्कुल प्यार से, आराम से, अच्छे से आपको क्लीन करना है, अच्छे से स्प्रे करना है। ग्लास क्लीनर को अप्लाई करने के बाद जो आपके पास कपड़ा है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, उसकी हेल्प से आपको गाड़ी की विंड स्क्रीन अच्छे से साफ करनी है। अगर आपके पास कोई और कपड़ा है, जैसे कि कोई सूती कपड़ा जो घर में होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल जो मेरे पास कपड़ा है वो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, वो स्पेशली मैंने इन्हीं कामों के लिए मंगवाया है, ताकि इससे कोई स्क्रैच ना आए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्लास क्लीनर को अप्लाई करने के बाद किसी भी तरह की डस्ट, किसी भी तरह के निशान अभी आपके विंड स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह आप घर में बैठकर इजीली विंड स्क्रीन को साफ कर सकते हो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।